दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में कैसे डार्क मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जाता है ऑन ऑफ स्विच के साथ। यकीन नहीं आ रहा है तो देखें, यहां पर बनी हुई ऑन ऑफ स्विच के साथ मैं एक्सेल में डार्क मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में डार्क मोड में काम करना आपके लिए तब इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप डेली बेसिस के ऊपर एक्सेल में काफ़ी सारा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। डार्क मोड में काम करने से आप अपनी आंखों की थकावट और तनाव को कम कर सकते हैं और लंबे समय के लिए स्क्रीन पर रहने के दूरगामी परिणामों को भी आप कम कर सकते हैं। इस काम को मैंने किया है एक्सेल के दो एलिमेंट्स या कहे तो एक्सेल टूल्स का यूज़ करके। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरा है चेकबॉक्स। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। दोस्तों एक्सेल शीट में डार्क मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए सबसे पहला काम हमें यहाँ पर इस एक्सेल रिबिन में डेवलपर टैब को एक्टिवेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी एक्सेल वर्कबुक में डेवलपर टैब ऑलरेडी एक्टिवेट है। अगर आपकी वर्कबुक में यहाँ पर डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो उसे एक्टिवेट करना बड़ा ही आसान है। उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर इस एक्सेल रिबिन में कहीं भी राइट क्लिक करनी है और फिर जाना है यहाँ पर कस्टमाइज द रिबिन में। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पर डेवलपर टैब का ऑप्शन देख सकते हैं, इसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेरी वर्कबुक में ऑलरेडी डेवलपर टैब एक्टिवेट है तो मैंने यहाँ ऑलरेडी इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। अब हमारा दूसरा काम है चेकबॉक्स को इंट्रोड्यूस कराना। तो उसके लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्म कंट्रोल में हम कुछ इस तरह के चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लाके उसे छोड़ देंगे। इस चेकबॉक्स का नाम हमें चेंज करना है तो इस चेकबॉक्स के ऊपर हमें राइट क्लिक करनी है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से मैं नाम चेंज कर लूँगा डार्क मोड। आप इस चेकबॉक्स की हाइट और लेंथ को और विड्थ को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब हमें इस चेकबॉक्स का कलर भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊंगा, यहाँ पर कलर एंड लाइंस को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर कलर में नो फिल है उसकी जगह पर हमें सिलेक्ट कर लेना है ग्रे कलर और मैं यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। तो देखिए चेकबॉक्स का कलर यहाँ पर ग्रे हो चुका है। अब हमें इस चेकबॉक्स को एक्सेल के किसी एक सेल के साथ लिंक कराना है ताकि हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को उसी सेल में शो करा सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस चेकबॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, फिर से फॉर्मेट कंट्रोल में जाऊँगा, कंट्रोल का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं K1 सेल सिलेक्ट कर लूंगा, ओके कर दूंगा। तो देखिए K1 सेल को इस चेकबॉक्स के साथ लिंक करने से क्या होगा आप यहाँ पर देखिए, मैं इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए K1 सेल में वैल्यू ट्रू हो रही है, अनसिलेक्ट करूंगा तो K1 सेल में वैल्यू फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पर हम इसी ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डार्क मोड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कराएंगे चेकबॉक्स की मदद से। अब हमारा आगे का काम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। हम यहाँ पर डार्क मोड को एक्टिवेट कराना चाहते हैं इस पूरी एक्सेल शीट में, इन सभी सेल में। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इस पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये जो ट्रायंगल शेप देख रहे हैं उसके ऊपर हमें क्लिक करनी है तो यहाँ पर पूरी एक्सेल शीट सिलेक्ट हो जाएगी, आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, न्यू रूल में जाऊँगा और यहाँ से मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा यूज़ ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे काम करता है आपको पता ही होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो एक्टिवेट होगा जब भी वैल्यू ट्रू होगी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग डीएक्टिवेट होगा जब भी वैल्यू फॉल्स होगी। तो इस जगह के ऊपर हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ इस K1 सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस K1 सेल को सिलेक्ट करने से क्या होगा, अगर इस K1 सेल में वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं डार्क मोड को अप्लाई करने के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर K1 सेल में वैल्यू फॉल्स है तो हम यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे डार्क मोड को अप्लाई करने के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू ट्रू है तो डार्क मोड एक्टिवेट होगा और यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है तो डार्क मोड डीएक्टिवेट होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फिल के ऑप्शन में जाऊँगा और डार्क मोड के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं जाऊँगा फॉन्ट के ऑप्शन में।
दोस्तों यहाँ पर हमें फॉन्ट कलर सिलेक्ट करना है वाइट, क्योंकि डार्क मोड में अगर फॉन्ट कलर वाइट है तभी फॉन्ट शो होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं डार्क मोड किस तरह से अप्लाई होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। अभी यहाँ पर डार्क मोड एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है, और यहाँ पर वैल्यू ट्रू करने के लिए हम यहाँ इस चेकबॉक्स की मदद लेंगे। अगर मैं यहाँ इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो देखिए K1 सेल में वैल्यू ट्रू हो गई है और डार्क मोड एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ इस चेकबॉक्स को अनसिलेक्ट करूँगा तो वैल्यू फॉल्स हो गई है और डार्क मोड डीएक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए, आपके लिए आगे बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। तो यहाँ पर डार्क मोड एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डार्क मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप रो को भी देख नहीं सकते हैं और इस तरह से कॉलम को भी देख नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रिड लाइन को अप्लाई करने के लिए हमें फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडिट करना होगा। तो उसके लिए पहले तो मैं ये डार्क मोड यहाँ से हटा देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल शेप के ऊपर क्लिक करके इस पूरी एक्सेल शीट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जाना है और यहाँ से हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है ऑल बॉर्डर। तो देखिए यहाँ पर इस एक्सेल शीट में जितने भी सेल हैं उन सभी सेल्स में बॉर्डर अप्लाई हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिलेक्शन को हटाना नहीं है, हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल में जाना है, और हमने यहाँ पर पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई थी उसे हमें एडिट करना है। तो यहाँ पर हमें फिर से फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है, इस बार हमें जाना है बॉर्डर में। यहाँ से ऑटोमेटिक की जगह पर हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे वाइट, और यहाँ से हम आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से मैं ओके करूँगा, यहाँ से भी मैं ओके करूँगा, यहाँ से हमें अप्लाई करना है इस चेंजेस को, और फिर से मैं यहाँ से ओके करूँगा। अब यहाँ से मैं डार्क मोड को एक्टिवेट करूँगा तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर ग्रिड लाइन एक्टिवेट हो चुकी है, मैं यहाँ से डार्क मोड हटा लेता हूँ। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस फॉल्स की वैल्यू को K1 सेल में शो नहीं कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ड्रैग करके उसके ऊपर लाके छोड़ दीजिए, ताकि K1 सेल हाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डार्क मोड एक्टिवेट हो रहा है और डीएक्टिवेट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर डार्क मोड एक्टिवेट करने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रिबिन का सेक्शन डार्क नहीं हुआ है, वो पहले था वैसा ही है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो उसमें चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पर फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर जनरल में जाके पर्सनलाइज के टैब में हमें इस ऑफिस थीम को चेंज कर देना है। हम यहाँ पर ऑफिस थीम को चेंज करेंगे ब्लैक, और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सेल रिबिन थी वो भी यहाँ पर डार्क मोड में आ चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारी फुल एक्सेल शीट डार्क मोड में एक्टिवेट हो चुकी है। तो इस तरह से डीएक्टिवेट कर सकते हैं और इस तरह से डार्क मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।